दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे को और वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, आपको कम से कम लाइक तो आपका बनता ही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। ये आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़। ठीक है, आपके लिए मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ इस एक मोबाइल चार्जर की। ठीक है जी, ये 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का चार्जर है और ये जो है फ़िलहाल डेड कंडीशन में है, बंद है। हवाई कंपनी का चार्जर है ये, आप देख लीजिए नाम पढ़ करके, ये हवाई कंपनी का है। और इसके अंदर जो दिक्कत आ रही थी वो थी, एकदम लाइट तेज आई है, पावर तेज आने की वजह से ये बंद हो गया था। तो दोस्तों, कभी भी आप वीडियो देख लेना, वीडियो देखने से आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा सीखने को। कभी कब चार्जर ख़राब हो जाए तो इसको फेंकना नहीं है, ये चार्जर रिपेयर आसानी से हो सकता है और आप चाहे तो घर पे भी कर सकते हैं। और चाहे जो भाई वीडियो को देख रहे हैं, टेक्नीशियन हो या घर पे देख रहे हो, वो कोई भी इसको रिपेयर कर सकता है, क्योंकि हम उस तरीके से ही बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये 10-5 रुपये का तो आता नहीं है, कम से कम 450-500 रुपये का अडाप्टर है ये। इसको फेंकने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसको ठीक कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आएगा इसमें 20-30 रुपये 50 रुपये लास्ट, उससे आपका कम से कम 450-450 रुपये बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से ओपन करने के लिए हमने यहाँ इसमें निशान बना दिए, ये वाले, ये देखो आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से पेचकस की सहायता से इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये ओपन कर लिया, ये इसका बैक हटा दिया। ठीक है, अब इससे इसको हम ये नॉइज प्लस की सहायता से इसको खींच लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने यहाँ नॉइज प्लस की सहायता से खींच लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर ये पावर आईसी है, ये ब्रिज कपलर बोलते हैं इसको, और ये हमारी आउटपुट आईसी है जो हमारे लिए 5 वोल्ट निकाल कर देती है। ठीक है, अब इसमें चलिए चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत हुई है, किसकी वजह से ये बंद हो गया। ठीक है, इसमें सबसे पहले चेक करने के लिए जो मेन पावर के लिए होता है, एक तो ये होता है, ये जो पीएफ टाइप बना पड़ा है ये फ्यूज़ का काम करता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले इसी को देखते हैं, क्योंकि जब पावर तेज आता है तो यही ख़राब होता है इसका। ये आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये लग तो इस ये लगने का जो सिस्टम है ये हरा किसी को पता भी नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे कि कोई पीएफ हो। ये कंटिन्यूटी नहीं देगा क्योंकि यही ख़राब होता है। सबसे पहले इसी को हम या तो चेक कर लेते हैं या ही इसको चेंज कर लेते हैं। पहले इसको हम बाहर निकाल लेते हैं आयरन की सहायता से, फिर आपको चेक करके दिखाएंगे इसको। तो इसमें थोड़ी पेस्ट लगा लेते हैं, क्योंकि एक चीज़ और बता दूं, कभी भी आप काम करोगे पेस्ट का ज़्यादातर महत्वपूर्ण यूज़ करना ज़रूरी है। क्यों? इससे एक तो इसमें सफाई आती है टाँके में, दूसरा जो टाँगा होता है उसकी पकड़ बहुत मजबूत बन जाती है। इसे यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, यहाँ से देख लीजिए आप, सफ़ेद, ये सफ़ेद सफ़ेद सा इसके अंदर देखो, ये बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए, ये अंदर से जो है जल गया है, जलने की वजह से ये बाहर इसके जो ये लगा हुआ है ये जला है। इसके जलने का जो अंदर से सिस्टम ख़राब होगा, जो भी निकलता है अंदर से, वो इसके बाहर आ चुका है। तो इसको हम एक साइड में रख देते हैं। अब इसकी जगह हमें क्या यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जगह हमें जो यूज़ करना है वो है रेजिस्टेंस। इसके पॉइंट ऑफ साफ कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसमें हमें यूज़ करने के लिए एक 10 ओम्स की रेजिस्टेंस लेनी है, ये वाली। ठीक है, ब्राउन और ब्लैक, ब्लैक ये 10 ओम्स की रेजिस्टेंस ले ली हमने। इसको यहाँ से साफ करके पॉइंट को इसके अंदर लगा देते हैं, ये यहाँ से हमने इसको लगा दिया। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए, इसमें सोल्ड कर देते हैं। इसको यहाँ करने से और क्लियरिटी आ जाएगी।
ये इसमें ये सॉल्ट कर दिया है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सोल्ड कर दिया इसको, यहाँ से इसको काट लेते हैं दोनों पॉइंटों को। ये हमने इसमें देख लीजिए, यहाँ से सोल्ड कर दिया, सोल्डिंग कर दिया यहाँ से ठीक है। ये रेजिस्टेंस लगा दी इसमें 10 ओम्स की वहाँ। अब इसको अडोप्टर के अंदर फिट करके चेक कर देते हैं ये क्या सिस्टम हुआ, इसका चालू हुआ या बंद है। नहीं, उल्टा लगा दिए, सुबह बाहर निकाल लेते। अब यहाँ से इसको यहाँ से डालते हैं, ये डाल दे इसमें, मैंने फिट कर दिया। अब इसको चेक करने का सिस्टम मैंने ये बना रखा, देखिए ये मैंने इसमें चेक करने का सिस्टम बना, ये बल्ब लगा रखा, ये इसमें चेक लगा रखा, ये डाटा केबल है। ठीक है, ये पावर बोर्ड में यहाँ ले लेता हूँ, ये देखिए ये मैंने इसमें लगा दिया। ठीक है, और ये मैंने इसमें लगा दिया, देखिए ये अडाप्टर हमारा ओके हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। ये डाटा केबल लगा दी, ये इसमें बल्ब लगा दिया, इसकी वजह से चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। धन्यवाद।